हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एमडी सेमुल्ला राइन एकेडमी से। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो हमें सिलेबस के बारे में जानना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे भी पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। के बारे में जान लें कि पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पढ़ना क्या होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में इसके अलग अलग भागों को बांटा गया है, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, फिर अमलगमेशन ऑफ द फॉर्म या अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से बांटा गया है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे पार्टनरशिप के मीनिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो साझेदारी व्यवसाय के मीनिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है साझेदारी व्यवसाय, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। बावजूद इसके हम लोग अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से कैसे इसको समझेंगे और अकाउंटिंग की क्रिया में कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं या कैसे इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग, तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन और एमंग पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि साझेदारी क्या है, तो साझेदारी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि साझेदारी, साझेदारी का मतलब क्या होता है, साझा। साझा मतलब क्या होता है, एक साथ। तो एक साथ मिल के व्यवसाय को करना, यानी कि सिंपल रूप में साधारण भाषा में यहाँ पे देखा जा सकता है, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होती है बहुत ही साधारण सी होती है। जैसे कि दो लोगों का आपस में मिल के किसी व्यवसाय को करना, या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल के किसी व्यवसाय को करते हैं, ठीक है, लाभ को कमाने के उद्देश्य से, तो वो साझेदारी व्यवसाय के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय जैसे कि बोला गया है, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज इज़ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर बिकॉज, यानी कि साझेदारी जो व्यवसाय है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्राय प्राय हर कोई साझेदारी व्यवसाय से परिचित होता है। क्यों परिचित होता है और क्यों ये पॉपुलर इतना क्यों है, तो चलिए देखते हैं इसको। नंबर वन, जैसे कि बोला गया है कि इट इज़ ईजी टू फॉर्म, यानी कि साझेदारी व्यवसाय को का निर्माण करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये पॉपुलर है। नंबर टू, इट अलाउज सेवरल इंडिविजुअल्स टू कंबाइन देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स इन अ पार्टिकुलर बिजनेस वेंचर। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी तरह की टैलेंट होती है, स्किल होती है, यानी कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर खासियत होती है, विभिन्न तरह की गुणवत्ता होती है, वो अपने गुणों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये साझेदारी व्यवसाय में ऐसे तरह के व्यक्ति जिनके अंदर विभिन्न तरह की गुण होती हैं या उनके अंदर जो टैलेंट होती है उनका वो प्रयोग कंबाइंड रूप में, यानी कि एक साथ मिलके दिखा सकते हैं। तीसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग मोर कैपिटल देन अ सिंगल इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन। तो साझेदारी व्यवसाय में भी जैसे देखा जा सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक व्यक्ति ही पूरे बिजनेस का स्वामी होता है और जितना भी पूंजी लगानी होती है वही एक व्यक्ति उस फर्म में, उस अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में इसकी एक पॉपुलर होने की यह भी विशेषता है कि बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने पूंजी को ला के इसमें लगाते हैं, जिससे कि व्यवसाय का जो है कैपिटल और ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट बोला गया है कि एंड इट अलाउज द शेयरिंग ऑफ रिस्क फॉर रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस। देख रहे हैं कि ये साझेदारी व्यवसाय में ये क्या करता है, जोखिम के मात्रा को भी साझेदारों पे फैला देता है, जिससे कि हर एक साझेदार पे जोखिम की मात्रा जो है पूरी तरह से फैल जाएगी, यानी कि किसी एक व्यक्ति पे जोखिम ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जबकि इंडिविजुअल यानी कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखते हैं कि जोखिम की मात्रा क्या होती है, कि जोखिम की मात्रा अगर एक व्यवसायी करता है तो उसी की पूंजी लगी होती है, प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट सारी की सारी उसी की होती है,
तो जोखिम की मात्रा भी क्या होती है, अगर व्यवसाय में किसी तरह की लॉस होती है या कोई भी जोखिम होगा तो एक ही व्यवसायी सहेगा। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग इसको मिल के करते हैं, तो जोखिम की मात्रा भी जो होती है इन पे पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे कि एक व्यवसायी पे पूरी तरह से जोखिम लागू नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम लोग साझेदारी व्यवसाय के डिफिनीशन को। डिफिनीशन, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि बोला गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी कि व्यक्तियों के बीच में एक ऐसे तरह का संबंध जो कि किसी व्यवसाय के लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से करते हैं। सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके किसी व्यवसाय को करते हैं, उसके लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से एक निश्चित ठहराव के अंतर्गत, तो उसे हम लोग साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। अब इस डिफिनीशन के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग या फिर फ्रॉम द फॉरगोइंग डिफिनीशंस इट इज़ क्लियर दैट पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ थ्री इसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे कि साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों ने डिफिनीशन को पढ़ा, तो डिफिनीशन से ही विभिन्न तरह के तत्वों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय को होने के लिए किन तरह के तत्वों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे दिया गया है, द पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी कि साझेदारी जो व्यवसाय है ये क्या है, एक तरह का परिणाम है। किस तरह का परिणाम है, एग्रीमेंट का परिणाम है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ठहराव किया जाता है कुछ व्यक्तियों के बीच में, तो उसी का जो रिजल्ट निकल के आता है यानी कि परिणाम जो होता है वही साझेदारी व्यवसाय होता है। नंबर टू बोला गया कि द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि बोला गया है कि द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर, एग्रीमेंट किस लिए होना चाहिए, तो ठहराव होना चाहिए इसलिए ताकि प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए, यानी कि व्यवसाय में जो भी प्रॉफिट होगी या लॉस होगी तो किस तरह से बांटा जाएगा। फिर नंबर थ्री, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि साझेदारी व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि दो साझेदार हो सकते हैं या दो से अधिक साझेदार हो सकते हैं। कितने साझेदार होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे और मिनिमम कितने हो सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि साझेदारी व्यवसाय में जैसे कि दो व्यक्ति मिलकर आपस में व्यवसाय को चला सकते हैं या दो से अधिक, तो उनमें से एक सारे के सारे जो साझेदार हैं उनका ये पूरा अधिकार है कि साझेदारी व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि साझेदारी व्यवसाय में दो या उससे अगर साझेदार हैं तो उन सारे साझेदारों में से कोई एक साझेदार साझेदारी व्यवसाय को उन सारे साझेदारों के बदले में अकेले ही चला सकता है। तो यहाँ से तीन मुख्य रूप से हम लोगों के एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे नोट एक तरह से मैंने लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज एसेंशियल्स अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यानी कि ये जो तीनों तरह के जो इसके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इसके लक्षण को देखा जाए तो ये जरूर ही होने चाहिए, एक साझेदारी व्यवसाय में इनका होना आवश्यक है। क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में अगर ये तत्व नहीं पाए जाएंगे तो एक साझेदारी व्यवसाय का होना नहीं माना जाएगा। अब चलिए आगे की तरफ देखते हैं। पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। तो अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप के डिफिनीशन को पढ़ा, तो उसमें हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके किसी व्यवसाय को करते हैं, व्यवसाय के लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से तथा एक निश्चित ठहराव के अंतर्गत, तो साझेदारी व्यवसाय कहलाती है। और उसी आधार पे हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स को भी देखा था। अब यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि हम लोगों ने जाना कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पार्टनर्स किसे कहते हैं। तो पार्टनर्स किसे कहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड अ पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप बिजनेस में यानी कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय में इंडिविजुअली
यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो उसमें शामिल होते हैं इंडिविजुअली है, यानी कि व्यक्तिगत रूप में जो शामिल होते हैं साझेदार, ठीक है, साझेदार कहलाते हैं। जो इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं साझेदार कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और सामूहिक रूप से वो क्या कहलाता है, फर्म कहलाता है। तो हमने जाना कि साझेदारी व्यवसाय में कोई भी साझेदार कब कहलाएगा, जब इंडिविजुअली रूप में, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में अगर कोई भी व्यक्ति मिल के व्यवसाय को करता है तो उसको व्यक्तिगत रूप में हम लोग पार्टनर्स कहेंगे, साझेदार कहेंगे, और सामूहिक रूप से उसको क्या कहेंगे, तो फर्म कहेंगे। जैसे कि साझेदारी व्यवसाय में मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं या चार पार्टनर हैं, तो मान लीजिए कि ए बी सी कोई पार्टनर है, ए बी सी डी कोई पार्टनर है, तो ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति ए एक पार्टनर हो गया, बी एक पार्टनर हो गया, सी एक पार्टनर हो गया, डी एक पार्टनर हो गया, यानी कि इंडिविजुअली रूप में, यानी कि व्यक्तिगत रूप में इसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे। लेकिन इसी को कलेक्टिवली रूप से, यानी कि इसको मिला के एक पार्टनरशिप व्यवसाय को एक आर्टिफिशियल नाम दिया जाएगा। तो आर्टिफिशियल नाम दिया जाएगा, तो वो जो नाम होगा, अब उसी नाम के अंतर्गत ये सारे पार्टनर्स काम करेंगे, उसी को हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, हम लोग उसे फर्म कहेंगे, फर्म कहेंगे। बहुत बार ये शब्द सुनने को मिलता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि साझेदारी व्यवसाय को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। यानी कि साझेदार, जो कि हर एक साझेदार जो कि इंडिविजुअली रूप में पार्टनर्स कहलाता है, हर एक व्यक्ति क्या करेगा, इंडिविजुअली रूप में व्यक्तिगत रूप में साझेदार कहलाएगा, और उनके सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ, अ पार्टनरशिप में बी फॉर्म्ड व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एग्रीज विथ वन और मोर पर्सन्स टू कंबाइन एसेट्स एंड और स्किल्स। बोला गया है कि साझेदारी व्यवसाय को का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कौन इसको फॉर्म कर सकते हैं, कौन इसका निर्माण कर सकते हैं, तो कौन इसका निर्माण कर सकते हैं, तो बोला गया कि अब पार्टनरशिप में भी फॉर्म्ड कि साझेदारी व्यवसाय का निर्माण हो सकता है, इसकी स्थापना की जा सकती है। वेन अ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि सोल प्रोप्राइटर यानी कि एकल जो व्यवसायी होगा या एकल व्यवसायी का जो मालिक होगा ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि पहले से उसके पास व्यवसाय कर रहा है, कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप कर रहा है, ठीक है, और वो सहमत हो जाता है, एग्रीज विथ वन और मोर पर्सन्स टू कंबाइन एसेट्स और स्किल्स, वो सहमत हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यवसायी के साथ कि वो मिल के व्यवसाय को करेगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी का निर्माण हो सकता है, और साथ ही साथ अपने एसेट्स का, संपत्ति का, और साथ ही साथ अपने स्किल एंड टैलेंट गुणों को क्या करेगा, वो साझा करेगा, तो इस स्थिति में भी पार्टनरशिप बिजनेस का निर्माण हो सकता है। पर्सन्स में ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, और वो सारे व्यक्ति भी मिलके आपस में व्यवसाय को कर सकते हैं, साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी भी व्यवसाय नहीं किया है, लेकिन पहली बार में वो क्या कर रहे हैं कि आपस में मिलके एक व्यवसाय को कर रहे हैं कलेक्टिवली रूप में। साथ ही साथ साझेदारी व्यवसाय में हर एक साझेदार अपने आप में स्वामी होता है, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में जितने भी पार्टनर होंगे वे सारे के सारे साझेदार उस पार्टनरशिप बिजनेस के स्वामी होंगे। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, पार्टनरशिप आर कॉमन इन होलसेल बिजनेस, इन स्मॉल रिटेल स्टोर्स एंड इन पर्सनल सर्विस बिजनेस। देखा जाए कि साझेदारी व्यवसाय कहाँ पे देखने को मिलता है या किस तरह से साझेदारी व्यवसाय ज़्यादातर देखी जाती है या कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि साझेदारी व्यवसाय बहुत ही साधारण है, कॉमन है। साझेदारी व्यवसाय क्या है, कॉमन है, कहाँ पे, तो इन होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस यानी कि थोक व्यापार में, थोक व्यवसाय में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, थोक व्यापारी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं थोक रूप में, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जो कि छोटे छोटे रूप में आपस में पैसे को मिला के, पूंजी को मिला के, अपने स्किल का उपयोग करके होलसेलर के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे भी साझेदारी देखी जाती है। इन स्मॉल रिटेल स्टोर्स यानी कि छोटे छोटे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, यानी कि फुटकर जो स्टोर्स होते हैं, फुटकर जो भी व्यवसाय होते हैं, वहाँ पे भी साझेदारी व्यवसाय को देखा जा सकता है। एंड इन पर्सनल सर्विस बिजनेस, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप में जैसे कि सेवा कार्य का किया जाता है, तो वहाँ पे भी साझेदारी व्यवसाय को देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो साझेदारी व्यवसाय में आप जनरली यही सोच रहे होंगे कि दो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को करने लगते हैं,
तो जनरली हम लोग जैसे ही साझेदारी व्यवसाय आती है तो हम लोग सोचते क्या हैं कि साझेदारी व्यवसाय का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि कुछ लोग आपस में मिल गए हैं, 10,000-20,000 पूंजी लगा के व्यवसाय को शुरू कर दिए, तो उसको हम लोग साझेदारी कहेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि बड़े बड़े व्यवसायी जो कि सोल प्रोप्राइटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे के साथ मिल के बड़े रूप में पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए साझेदारी व्यवसाय का रूप जो होता है, स्वरूप जो होता है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे की तरफ देखा जाए तो पार्टनरशिप आर ऑल्सो ऑफन यूज फॉर प्रोफेशनल बिजनेस सच एज अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म्स, लॉ ऑफिसेस एंड मेडिकल क्लिनिक्स। साझेदारी व्यवसाय का हम लोग देखा जाए तो उपयोग कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोफेशनल बिजनेस यानी कि पेशेवर व्यवसाय में भी देखा जाता है। पेशेवर व्यवसाय, पेशा जो कि हम लोग देखते हैं कि पेशा, जनरली हम लोग कहने से क्या समझते हैं, हम लोगों ने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा कि पेशा किसे कहते हैं, तो पेशा के रूप में अगर देखा जाए तो पेशे के लिए क्या होती है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे कि डॉक्टर आप देखते हैं, वकील देखते हैं, तो इनका भी क्या होता है, ये भी एक सामूहिक रूप में काम कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर आपस में मिल के एक व्यवसाय के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट्स भी अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं जो कि सामूहिक रूप में काम कर सकते हैं, साझेदारी कहला सकता है। और साथ ही साथ कहाँ पे, एज अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म्स, ऑडिट फर्म्स, ऑडिट मतलब क्या होता है, अंकेक्षण करना। ऑडिट फर्म्स यानी कि आपने सुना होगा कि ऑडिटर क्या करते हैं, खातों की अंकेक्षण करते हैं, खातों की जाँच करते हैं। तो वहाँ पर भी आप देखिएगा कि भारी मात्रा में ऑडिटर भी क्या करते हैं कि एक साथ मिल के आपस में ऑडिटिंग का कार्य किसी कंपनी से लेते हैं और सामूहिक रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑडिट फर्म्स में भी हम लोग ऑडिट की जो क्रिया करते हैं ऑडिटर, वो भी क्या कर सकते हैं, एक साझेदारी का निर्माण करके ऑडिटिंग की क्रिया करते हैं, जिसको हम लोग पार्टनरशिप के रूप में भी उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल, मतलब इस साझेदारी को देखा जा सकता है। लॉ ऑफिसेस एंड मेडिकल क्लिनिक्स, लॉ ऑफिसेस जैसे अभी मैंने कहा एडवोकेट्स, एडवोकेट्स यानी कि जो वकील होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक साथ मिलके बहुत सारे व्यवसाय, विभिन्न तरह के जैसे कि क्लाइंट उनके पास आते हैं और केसेस को वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सामूहिक रूप में वो भी काम को करते हैं। एंड मेडिकल क्लिनिक्स, मेडिकल क्लिनिक्स यानी कि आप देखते हैं कि विभिन्न तरह के स्थानों पे मेडिकल यानी कि दवाई या फिर औषधि के लिए विभिन्न तरह के क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग साझेदारी व्यवसाय को देख सकते हैं, जिसमें एक ही क्लिनिक के अंतर्गत विभिन्न तरह के डॉक्टर काम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि औषधालय के अंतर्गत मिल के कुछ लोग एक बड़े से औषधालय का भी निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी साझेदारी व्यवसाय को देखा जा सकता है। आगे साझेदारी व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, ये चलिए देखते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नीचे की तरफ कुछ निम्नलिखित इसकी विशेषताएं दी गई हैं कि साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होती हैं। तो आइए चलिए नंबर वन जानते हैं। नंबर वन, देयर शुड बी टू और मोर पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बट द नंबर ऑफ पर्सन्स मस्ट नॉट एक्सीड 20 एंड इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इट मस्ट नॉट एक्सीड 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम बोला क्या गया है कि देयर शुड बी टू, कि दो होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो साझेदारों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक रहती है तो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाएगा। तो इसलिए साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो दो होनी चाहिए। और मोर पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक हों। ठीक है, दो या दो से अधिक हों तो साझेदारी व्यवसाय कहलाएगी। ये एक एक तरह की विशेषता है। बट द नंबर ऑफ पर्सन्स मस्ट नॉट एक्सीड 20। लेकिन यही जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति होंगे, ये जो साझेदार होंगे, इनकी संख्या कम से कम दो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 20। ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, 20 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 20 से ज़्यादा ना हो, मस्ट नॉट एक्सीड 20। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस,
लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस रहेगी तो उस स्थिति में भी कम से कम साझेदारों की संख्या कितनी होगी? दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इट मस्ट नॉट एक्सीड 10, यानी कि साझेदारों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों ने जाना कि अगर साधारण तरीके की साझेदारी है तो उसमें कम से कम साझेदारों की संख्या 2 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारों की संख्या 20 होगी। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस होगा तो उसमें कम से कम साझेदारों की संख्या तो 2 होगी ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारों की संख्या 10 हो सकती है। द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल एंड इट कैन नॉट इंटर्ड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी और फाइल अ लीगल सूट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट शुड बी नोटेड दैट इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सीड्स द अबव लिमिट, यानी कि ऊपर जो लिमिट दिया गया है, कितना लिमिट दिया गया है, 20 या 10, तो उससे उस लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है साझेदारों की संख्या, पर्सन्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे तरह की स्थिति में वो कानूनी रूप से देखा जाए तो क्या होगा, कानून के खिलाफ होगा, यानी कि वो इलीगल हो जाएगा, लीगल नहीं कहलाएगा बल्कि इलीगल व्यवसाय हो जाएगा। तो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या बैंकिंग बिजनेस है तो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कौन सा व्यवसाय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह की परिस्थिति में इट कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह की परिस्थिति में एक तरह की अनुबंध नहीं मानी जाएगी। विथ थर्ड पार्टी और फाइल अ लीगल सूट, किसी अन्य तरह के थर्ड पार्टी यानी कि किसी अन्य पक्षकार या कोई अन्य व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और फाइल अ लीगल सूट, और कानूनी रूप से हम लोग किसी भी तरह से किसी के खिलाफ केस को दायर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि फर्म साझेदारों के खिलाफ केस करना चाहे, या साझेदार फर्म के खिलाफ कोई केस करना चाहे, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि लीगल सूट नहीं हो पाएगा अगर कानूनी रूप से मेंबर्स की संख्या पर ध्यान नहीं दी गई तो। नंबर टू में इसकी क्या विशेषता हो सकती है, तो बोला गया है कि द पर्सन्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी व्यक्ति होंगे जो कि इस व्यवसाय को मिलकर कर रहे हैं तो वो सहमत होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एग्री होने चाहिए, सहमत होने चाहिए, आपस में वो सहमत होने चाहिए, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय के लाभ और हानि को बांटने के लिए सहमत होने चाहिए। जब तक वो आपस में सहमत नहीं होंगे तो साझेदारी व्यवसाय में इसका निर्माण नहीं हो सकता है। नंबर थ्री में बोला गया है कि द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि व्यवसाय में द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल, यानी कि व्यवसाय ये जो होगा, ये जो साझेदारी व्यवसाय होगा, उसमें हर एक साझेदार व्यवसाय को चला सकता है, या उन साझेदारों में से एक साझेदार उन सारे साझेदारों के लिए व्यवसाय को चला सकता है, ये भी एक साझेदारी व्यवसाय की विशेषता है। नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज अ को ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। साझेदारी व्यवसाय में हर एक साझेदार को ऑनर है, सहायक मालिक है, यानी कि को ऑनर है ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। साझेदारी व्यवसाय के जो भी एसेट्स होंगे, यानी कि संपत्ति होगी या लाइबिलिटीज होगी, यानी कि उत्तरदायित्व होगा, उसमें भी क्या होगा, उसकी भागीदारी होगी, उसकी अधिकार होंगे, ठीक है। यानी कि साझेदारों का क्या होगा, एसेट्स में अधिकार है तो साथ ही साथ उसका कर्तव्य यानी कि उत्तरदायित्व भी बनता है। अगर किसी भी तरह की साझेदारी में कर्ज है तो उसको चुकाना भी उसका कर्तव्य बनता है। ईच पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ पार्टनरशिप, हर एक साझेदार को साझेदारी व्यवसाय का एजेंट माना जाएगा। एजेंट हम लोग किसे कहते हैं, तो एजेंट हम लोग जनरली देखते हैं कि किसी कोई अन्य व्यक्ति हो जो कि किसी व्यवसाय के लिए काम करता है, तो उसे हम लोग एजेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदार तो खुद साझेदारी व्यवसाय के क्या हैं, वो जो व्यवसाय उसका मालिक हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसको एजेंट क्यों कहते हैं, तो एजेंट उसे हम लोग इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो साझेदारी व्यवसाय में उस व्यवसाय को चलाने का भी काम वही करता है, डिसीजन, विभिन्न तरह के डिसीजन लेने का कार्य भी वही लोग करते हैं, ठीक है। तो एजेंट हम लोग इसको मान सकते हैं, एजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर फोर को देखा जाए, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। बोला गया है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की जो लाइबिलिटी होती है,
जो कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व तो होता है, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कहने का मतलब क्या है आगे देखते हैं। अ पार्टनर इज बोथ ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल टू थर्ड पार्टीज। साझेदार दोनों ही रूप में, यानी कि सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में जिम्मेवार होता है, लाइबल होता है, उत्तरदायी होता है किसी अन्य पक्षकार के प्रति। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ द एसेट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर नॉट सफिशियंट टू पे इट्स लाइबिलिटीज, क्रिएशन में टेक ऑप्शन अगेंस्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी और ऑल ऑफ द पार्टनर्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा ऊपर कि साझेदारी व्यवसाय में हर एक साझेदार का जो उत्तरदायित्व होता है, लाइबिलिटी होता है, वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अक्सर प्रश्न पूछता है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। तो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड कहने से मतलब क्या है, तो अनलिमिटेड कहने का मतलब है कि साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी में हर एक साझेदार का जो दायित्व है वो केवल उसके व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर हो सकता है कि साझेदारी व्यवसाय जो है वो लॉस में चलने लगे, या फिर हो सकता है कि लॉस हो रही है और आप कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पार्टनरशिप बिजनेस समाप्त होगी या पार्टनरशिप बिजनेस में जब लॉस होगी और आप डेब्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है कि आपने जो व्यवसाय से कमाया है, यानी कि अगर व्यवसाय के संपत्ति को भी जब्त करके या उसका नीलाम करके अगर कर्ज को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आपने आपके जो घर पे भी जो वस्तुएं हैं, जो संपत्ति हैं, उसको भी बेचा जा सकता है, उसको भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोली गई है कि हर एक साझेदार का दायित्व क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, क्योंकि उसके व्यक्तिगत वस्तु को भी बेचा जा सकता है, उसके व्यक्तिगत उसके घर या फिर उसके जो भी संपत्ति होंगे उसको जब्त करके, नीलाम करके उसके पैसे का भुगतान, यानी कि जिससे वो कर्ज लिया रहेगा उसको पैसे का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर एक साझेदार का दायित्व क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में अनलिमिटेड होता है। इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनरशिप एंड द फर्म आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। नंबर 5 में बोला गया है कि इन द आइज ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ के दृष्टिकोण में, कानून के दृष्टिकोण में, साझेदार यानी कि पार्टनर्स एंड द फर्म, यानी कि साझेदार और फर्म दोनों ही क्या हैं, कानून की नज़र में यानी कि लॉ के नज़र में एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों को ही एक ही अर्थ में समझा जाएगा। नंबर 6 में क्या बोला हुआ है कि नंबर 6 में बोला है कि अ पार्टनरशिप लीगली टर्मिनेट्स एज अ बिजनेस एंटिटी ईच टाइम देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला ये पार्टनरशिप लीगली टर्मिनेट्स एज अ बिजनेस एंटिटी, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय को कानूनी रूप से, लीगली रूप से, संवैधानिक रूप से उसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी समय देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका जो एग्रीमेंट है, उसका जो डीड किया गया है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है किसी भी समय। फॉर इंस्टेंस चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साझेदारी व्यवसाय में जो एग्रीमेंट में हो सकता है कि साझेदारों के बीच में जो निर्माण किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसको भी साझेदारों की सहमति के आधार पर उसको बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। एडमिशन, ठीक है, एडमिशन में भी परिवर्तन लाया जा सकता है, हो सकता है कि साझेदारी व्यवसाय में फर्म को कैपिटल की आवश्यकता हो या फिर किसी नॉलेजिएबल पर्सन की आवश्यकता हो, तो भर्तीकरण भी किया जा सकता है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट कोई साझेदार की आवश्यकता है, रिटायर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अचानक किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो वहाँ से वो निकल सकता है। ठीक है, तो बोला है कि अ पार्टनरशिप लीगली टर्मिनेट्स एज अ बिजनेस एंटिटी ईच टाइम देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि साझेदारी व्यवसाय में लीगली रूप से, संवैधानिक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किसी साझेदार का जो साझेदारी व्यवसाय में जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि डीड है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। किसी साझेदार की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी ऐसा किया जा सकता है।